अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइशा लाइव विद किड्स। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं और मुझे इतनी अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं कामयाबी की, तो उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हम लोग ना कभी एक दूसरे को देखे हैं और ना ही जानते हैं, लेकिन आप मुझे इतने अच्छे कॉमेंट्स करते हैं तो जिससे मैं बहुत ही मोटिवेट होती हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो और भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो सो थैंक यू सो मच, सच ए गुड कॉमेंट्स। एंड इसी तरह मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और मैं भी जो है आप लोग के लिए वो दुआ करती हूँ कि आप लोग भी जिस फील्ड में हैं उसमें सक्सेस पाएँ आप लोग भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ना आज की मेरी जो टॉपिक है, आज की मेरी वीडियो है, वो है होम स्पेस आइडिया। मतलब आप स्मॉल होम में किस तरह स्पेस क्रिएट कर सकते हो, लाइक मोर स्टोरेज। तो यहाँ पे ना मैं स्पेस सेविंग आइडिया शेयर कर रही हूँ आपके साथ किचन और होम के लिए। तो यहाँ पे ना इस तरह से मैंने जो ऑनलाइन ये ऑर्डर किया था, तो ये हैंगर है। तो आप जो है इसमें आप मल्टीपर्पज़ जो है वो रख सकते हो कुछ भी, बट मैंने इसको अपने जो है वो हिजाब के लिए यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कबर्ड में कितने सारे मेरे स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई हो रहे थे। आई मीन मुझे अपने हिजाब के लिए पूरे 10-11 ऐसे मतलब हैंगर यूज़ करने पड़ते थे। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ऑनलाइन अवेलेबल था और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, तो मैंने यहाँ पे परचेज़ किया है। और इसको आप जो है फोल्ड करके भी रख सकते हो अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हो, तो इस तरह से। तो ये स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र है और बेस्ट जो है वो आपके कबर्ड्स के लिए है, आपके क्लोज़ेट के लिए है। तो यहाँ पे मेरे जितने भी स्टॉल हिजाब हैं, मैं सारे जो एक्स्ट्रा हैं मेरे पास, वो मैंने इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया, आप देख सकते हैं। तो ये स्पेस सेविंग आइडियाज़ है, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है ना कि घर में जगह ख़त्म हो गई है, मतलब हर एक कॉर्नर हर एक जो है वो फिल हो चुकी है, बट ऐसा नहीं होता। बट थोड़ी सी हमें स्मार्ट ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे जो है वो सारे अपने स्टॉल को, सारे हिजाब को जो है वो ऑर्गेनाइज कर दिया हुआ है, और मुझे अब यूज़ करने में, इसको निकालने में भी काफ़ी जो है वो कन्वीनियंट होगी। और इसमें अभी भी इतनी स्पेस है कि इन फ्यूचर मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग मैं इसको अपने कबर्ड में इस तरह से हैंग कर लूँगी। तो मैंने अपने जितने भी मेरी स्पेस थी ना, वो पूरी जो है वो फ्री हो चुकी है, आई मीन मैंने स्पेस सेव कर ली है। अच्छा, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह के जो वो स्टेनलेस स्टील के हुक वाले हैंगर हैं, और इसकी बोर्ड्स भी काफ़ी अच्छी है, और इसको मैं अपने कबर्ड्स के लिए या फिर अपने रूम के लिए या लिविंग रूम के लिए या फिर किचन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मेटल के हुक दिए हुए हैं, तो मैं ना इसको अपने स्लिंग बैग्स, आई मीन मैं अपने हैंड्स बैग के लिए इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे कबर्ड्स में इस तरह से मेरे बैग सारे पड़े हुए रहते थे, तो मुझे निकालने में, यूज़ करने में काफ़ी जो है वो मुश्किल होती थी। और इस तरह से मेरी बहुत सी स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए थे ये सारे हैंड्स बैग। तो जब मैंने यहाँ पर ये हैंगर देखा ना, तो मुझे जो है अपने स्लिंग बैग्स के लिए परफेक्ट लगे, तो मैंने इसमें अपने बैग्स ऑर्गेनाइज कर दिए हुए हैं, और ये काफ़ी नीटली जो है वो ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। इसमें भी मैंने काफ़ी स्पेस जो वो छोड़ रखी है, वो इन फ्यूचर मैं इसको भी यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप अपने स्मॉल रूम को या स्मॉल कबर्ड को जो है बहुत ज़्यादा स्पेस वो क्रिएट कर सकते हैं, आई मीन बहुत ज़्यादा उसको स्टोरेज उसमें कर सकते हैं। बस छोटी छोटी आपको ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी, छोटे छोटे स्मार्ट ऑर्गेनाइज़र लेने पड़ेंगे, उसके बाद आपके बहुत सारे स्पेस जो है वो आप फ्री कर लोगे।
यहाँ पे मेरे पास कुछ मेटल के जो स्टिकी हुक्स हैं, जो कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं इसे कितना यूज़ करती हूँ। तो मैं इसको ज़्यादातर किचन के लिए यूज़ करती हूँ, छोटी छोटी यूटेंसिल्स के लिए, छोटी छोटी टूल्स के लिए मैं इसको किचन में भी यूज़ करती हूँ और रूम में भी, और अभी मैं इसको अपने कबर्ड्स के लिए यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि कबर्ड्स में जो छोटी छोटी टॉवल्स होती हैं तो उनको जो है हमें ईजिली जो वो मिलती नहीं है, धुलनी पड़ती हैं, इधर उधर हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको स्टिक करके इसको अपनी जो है बच्चों की छोटी टॉवल्स उसमें हैंग कर दूँ, तो जो ईजिली वो हमें जो है अपनी स्पेस पे वो मिल जाएगी। अच्छा, किचन में ना मैं इसको यूज़ करती हूँ किचन टॉवल या किचन नैपकिन के लिए, या फिर टिश्यू रोल के लिए, या फिर फूड पेपर्स रोल के लिए। तो इस तरह के छोटे ये मेटल के हुक्स जो है वो काफ़ी जो यूज़फुल होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी नीटली ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं ये सारी चीज़ें। इस तरह से आप भी अपनी सारी चीज़ें जो वो ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे लिविंग रूम में ये स्पेस जो है वो बहुत वेस्ट हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसमें शेल्फ़ लगा दें, या आप ग्लास के भी लगा सकते हैं, वुडन के भी लगा सकते हैं। तो कुछ छोटी मोटे बच्चों के टॉयज़ या फिर आपकी एसी या टीवी रिमोट्स रखने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो इस तरह से आप अपने किचन को, अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरे आज का वीडियो, आज का आइडिया पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, अपना कमेंट्स करिए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे बहुत सी जो है किचन एंड होम की वीडियोज़ है, ऑर्गेनाइजेशन की, हैक्स की, तो प्लीज़ जाएँ एंड वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए।